नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सदस्यता 2024 आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें मिस्ड कॉल 8884 और नमो ऐप के माध्यम से सदस्यता ली जा सकती है। बिहार के नालंदा जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 9 छात्राएं दूषित आरओ पानी पीने से बीमार हो गई हैं, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई। जिलाधिकारी ने स्कूल के वार्डन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और निलंबित करने का आदेश जारी किया है, जबकि स्कूल में आरओ सिस्टम के रखरखाव की कमी सामने आई है। छात्राओं का इलाज चल रहा है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपियों को 11 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है और राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण और जातीय जनगणना पर रथ यात्रा की शुरुआत की है। तेजस्वी ने एनडीए पर आरोप लगाया कि वे आरक्षण और जातीय जनगणना पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। एमपी हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि सिख समुदाय के प्रतिनिधियों की राय को ध्यान में रखते हुए फिल्म को सर्टिफिकेट जारी किया जाए। फैसले के बाद फिल्म की रिलीज पर असमंजस बना हुआ है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे नीतीश सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समस्याओं को सुलझाने की बजाय उलझाने का काम कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल ब्रेक पर है और इस महीने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। विराट कोहली जो हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में फॉर्म में नहीं दिखे थे, पर टेस्ट सीरीज में रन बनाने की उम्मीद है। हरभजन सिंह ने कहा कि यदि कोहली टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं बनाते तो उन्हें शर्म आएगी। बिहार सरकार ने प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माने को कम कर दिया है। अब जुर्माना राशि 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक तय की गई है, जो वाहन के प्रकार के आधार पर भिन्न होगी। पहले सभी प्रदूषण फेल वाहनों पर समान रूप से 10,000 रुपए का जुर्माना लगता था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय अधिकारियों ने भोजन पानी और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित करने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का उपयोग किया है। अब तक 43,417 लोगों को पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है और 197 चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए। बिहार शरीफ डुमराव एनएच 120 का विस्तार अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले तक होगा। इसके लिए 110 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार ने सड़क के चौड़ीकरण और अन्य सुधार कामों को 2024-25 की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। विस्तार के बाद बलिया तक सफर जो है बेहद आसान हो जाएगा। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच की सैलरी के मामले में आईसीआईसीआई बैंक की सफाई सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पलटवार किया और कहा कि ऐसी कौन सी नौकरी है जहां सैलरी से ज्यादा पेंशन मिलती है। भारत के स्टार भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुष F64 वर्ग में 70.59 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 26 वर्षीय सुमित की ये उपलब्धि उनकी कठिन मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। पदक जीतने के बाद सुमित ने अपनी प्रेरणादायक यात्रा भी साझा की। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का कानून लागू किया था, लेकिन वर्तमान में ये कानून लागू नहीं है। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए पूछा कि जब कानून ही नहीं है तो राजद किस कानून को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पूरा पहाड़ सड़क पर टूटकर गिर गया है। इस घटना से दोनों तरफ ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया। जोहार घाटी रोड और लीलम मुनस्यारी में बारिश का कहर जारी है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। बिहार के भागलपुर जिले के साबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में गंगा नदी के बढ़ते और घटते जलस्तर के कारण भीषण कटाव हो रहा है। हाल ही में 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित जलमीनार केवल 10 सेकंड में गंगा में समा गया। इस घटना ने ग्रामीणों में भय उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि 25 घर कटाव के खतरे में हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था, लेकिन अब भी करीब 7261 करोड़ रुपए मूल्य के ये नोट केंद्रीय बैंक के पास नहीं पहुंचे हैं। आरबीआई का कहना है कि लोग अभी भी इस नोट को दबा कर रखे हुए हैं, जबकि नोटों को बदलने की सुविधा क्षेत्रीय कार्यालयों पर उपलब्ध है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा और आरएसएस पर जातीय जनगणना को लेकर हमला बोला है और उन्हें चुनौती दी है कि कान पकड़कर और दंड बैठक कराकर ही जातीय जनगणना करवाई जाएगी। बता दें कि कांग्रेस, राजद और विकासशील इंसान पार्टी पहले से ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। नए कानून के तहत दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी और दुष्कर्म के दोषियों को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। बिहार पुलिस के नए डीजीपी आलोक राज के निर्देश पर राजधानी पटना में चलाए गए सघन तलाशी अभियान में ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए मोबाइल और टेम्पो बरामद किए हैं। नोएडा प्रशासन अगले 1 से 2 महीनों में सर्किल रेट में 20 से 25% बढ़ोतरी की योजना बना रहा है, जिससे रजिस्ट्री की लागत में भारी वृद्धि हो सकती है। अधिकारी इस पर मीटिंग कर रहे हैं और रिपोर्ट की मांग की गई है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिहार कृषि विभाग ने कोल्ड स्टोरेज निर्माण और सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए अनुदान राशि का वितरण किया। मंत्री मंगल पांडे ने पटना में 87.50 लाख रुपए सौर ऊर्जा और 5.05 करोड़ रुपए कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सशस्त्र सैन्य समारोह में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकीकृत कमान की सराहना की, जिसमें थल, नभ और जल सेनाएं मिलकर दुश्मन को परास्त करती हैं। उन्होंने सशस्त्र बलों को देश की सुरक्षा की मजबूत नींव और राष्ट्र नायकों के रूप में सम्मानित किया। जाकिर खान का नया कॉमेडी शो आपका अपना जाकिर जो 10 अगस्त को सोनी टीवी पर लॉन्च हुआ था, अब 1 महीने से भी कम समय में बंद होने जा रहा है। ये शो द कपिल शर्मा शो का रिप्लेसमेंट माना जा रहा था, लेकिन इसके कम प्रदर्शन के कारण इसे ऑफ एयर करने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा से निष्कासित राजद नेता रामबली सिंह की याचिका पर बिहार सरकार और विधानसभा ऑफिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 25 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है। रामबली सिंह ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस साल मॉनसून अक्टूबर के मध्य तक एक्टिव रह सकता है, क्योंकि सितंबर में ला नीना की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। ला नीना के प्रभाव से अधिक ठंड में भी पड़ने की संभावना जताई गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने आपके साथ गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि आपकी अधिक सीटें मांगने के कारण गठबंधन मुश्किल है। राहुल गांधी ने फिर भी एकजुट होकर चुनावी रणनीति पर ध्यान देने की अपील की है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कर वृद्धि की रफ्तार पहली तिमाही में नरम पड़ी, जो 15 महीनों में सबसे कम है। इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक ने पूरे वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि आने वाले महीनों में वृद्धि शानदार होगी। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक भविष्यवाणी की है। अनुमान लगाया है कि 2024 से 2025 में वृद्धि दर 7% रहेगी। कृषि और ग्रामीण मांग में सुधार की वजह से ये अनुमान पेश किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्रबंधन पर हर महीने 54 लाख रुपए खर्च करने की जानकारी दी है, जो एक आरटीआई के जवाब से सामने आई है। इस खर्च को देखते हुए जब राज्य में धन की कमी की बात उठ रही है, तो कई लोग इस पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरनेई पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से होगी। ये मोदी की बुरनेई की पहली यात्रा है, जो द्विपक्षीय संबंधों के 40 साल पूरे होने के अवसर पर हो रही है।
आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, रामबाबू दास, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नौसाद रजा, मोहम्मद अरमान, विजय राज, ओमकार सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने हाल में क्या नया सीखा? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।